हेलो, जी गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग। सर, सुबह सुबह सर आपका एक मैसेज देख रहा हूँ सर, बाबू के लिए, टीचर के लिए सर। जी हाँ जी, आई एम लुकिंग फॉर टीचर। बोलिए। यस सर, यस सर। बाबू कौन से स्कूल में है सर? ही इज इन बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल। जी दोनों बच्चे बिशप स्कॉट में ही है। जी थोड़ा ओके सर, टीचर अवेलेबल है सर? सा टीचर से मैं मिलना चाहूंगा पहले। बिल्कुल सर, आप हमें परमिशन देंगे तो टीचर आपके घर पर हम भेजेंगे सर, आप उनसे मिल तो लीजिए शाम में 8 बजे का भेजिए, 7:30 बजे। 7:30 बजे। लेकिन सर आप कैसा टीचर चाह रहे हैं सर? आपकी कुछ च्वाइस है तो सर आप बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर्स पर्सन। टीचर्स एकेडमिकली तो देखना ही पड़ेगा व्हाट दे आर डूइंग इन स्कूल। अलोंग विथ दिस, इसको थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा हूँ, सो दैट कि एक्स्ट्रा नॉलेज, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, मैथ्स का थोड़ा सा ओवर, ये 6th का हो जाए, 7th का हो जाए, जैसा मेरा बच्चा हो। हम नहीं कह रहे कि हमको 10th का पढ़ा दीजिए, बट एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर द कंडीशन ऑफ माई चाइल्ड, मैं चाह रहा हूँ कि टीचर ऐसा मिले जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ा के, यानी कि केवल उसको किताबी कीड़ा बना के रख दे। अच्छा। ओवरऑल डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब देखना हमको। सर ये सब बातें तो ठीक है, बट सर एक चीज कहना चाहेंगे सर, जैसे टीचर कोई भी जाएंगे आपके यहाँ 1 आवर के लिए या 1 आवर 30 मिनट के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्यूशन्स में जो पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, उसमें उसका दो तीन तरीका है जो हम लोग के पास अभी अनुभव हुआ है। उसके एक तरीका यह है कि सर बच्चे को जो स्कूल से मिल रहा है उसको आप गाइड कर दीजिए, ठीक है। एक तरीका यह है सर कि बच्चों को स्कूल से जो डॉट्स हो रहा है, ठीक है, उसको क्लियर कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है सर कि स्कूल में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा कवर अप कर लेता है, आप कुछ उसको एक्स्ट्रा पढ़ाइए। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। तो सर 1 आवर में क्या क्या टीचर करेंगे आपके यहाँ? 1 आवर 1 आवर 30 मिनट के लिए टीचर जाएंगे, दो बच्चे हैं, तो उसमें क्या क्या करेंगे टीचर? तो बच्चे को देखेंगे सर कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बच्चे है। का सर, बच्चे का सर अभी प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में बच्चे का जो है, जैसे एवरेज बच्चा है या एवरेज बिलो है या एवरेज अबव है? एक तो एवरेज है, हाँ, एवरेज है, ठीक है। जो 5th में है, एंड सेकंड वाले को थोड़ा सा एकेडमिकली करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मान के चलिए एवरेज है दोनों बच्चा। अच्छा, हाँ तब तो सर उससे पहले बेसिक बेसिक करवाया जाएगा पूरा अच्छे से, इसके बाद ही बच्चा बेसिक। भैया, मैं मिल लेता हूँ, मैं समझ लूंगा सर, मैं समझ लूंगा। नहीं तो मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ सर कि उसके अकॉर्डिंग जो टीचर सेट करेंगे उन्हीं को मैं भेजूंगा, ठीक है। हाँ भेजिए ना, मैं देख लेता हूँ, मिलता हूँ। क्या पेमेंट वेमेंट का हिसाब किताब क्या रहेगा सर? क्योंकि बोला सर? पेमेंट का हिसाब किताब क्या रहेगा, कोई भी टीचर जाएंगे तो मैं टीचर से बात कर लूंगा ना, बस भेजिए ना, पर देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या है नहीं है, जो मैं बात कर लूंगा, जो आपका नॉर्म होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे सर, अलग से काम देखिए सर करेंगे। सारी चीजें का, जैसे कोई भी टीचर को हम बोलेंगे ना कि नया नया चक खेमनी चक में एक पेरेंट्स है जिनके यहाँ 6 और 2 क्लास के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, ठीक है ना, तो बात आती है सबसे पहले टीचर क्वेश्चन होता है सर कि वहां पर मिलेगा क्या, और पेमेंट के अकॉर्डिंग ही टीचर पहुंचेगा। अगर आप दोनों बच्चे आपका एक्सेप्टेशन जो है सो है, ठीक है, आपके आप बोलेंगे, आपके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बताइए। आपका जो च्वाइस है सर उसके अकॉर्डिंग आपका 1 आवर 30 मिनट का सर कम से कम 6,000 पेमेंट होना चाहिए। आपका जो आप जो सोच रहे हैं जैसा, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई टीचर खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, तो आपसे मिनिमम चार्ज करेंगे 6,000 अच्छा, 1 आवर 30 मिनट का। अगर आपके ठीक है, आपके आपका जो मतलब कि व्यू है उस व्यू पे खड़ा हो जाते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसे तो सर टीचर आपको 1 आवर के लिए दो बच्चों को पढ़ाने के प्राइमरी सेक्शन के लिए 2,500 3,000 4,000 सब में अवेलेबल है। भेजिए भेजिए, एक बार देखता हूँ। तो किनको भेजूं मैं सर? 6,000 वाले से बात बोले, उनसे भेजिए ना, मैं देखता हूँ कैसे टीचर हैं, दोनों को भेजिएगा एक बार उनको, मैं दोनों को जज करूंगा। मार्केटिंग फ्रॉम नहीं नहीं इनकी सर देखिए, डिपार्टमेंट। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सर उसमें तो आप उन सबको, उन सबका टाइम खराब होगा झूठ मूठ का। आपको जो जो टीचर 6,000 लेंगे ना, मैं उनको भेज देता हूँ, आप उनसे मिलिए। मिनिमम कितना समय, डेमो तो कर सकते हैं ना सर, 1 घंटे का टाइम कितना लगेगा? टाइम खराब नहीं होगा सर, मैं 1 घंटे मिल लूंगा उनसे, एंड आई डिसाइड कि हमको करना क्या है, कौन करेंगे। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ टीचर से, टीचर एग्री करेंगे सर तो मैं भेज दूंगा सर।